स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में ये चीजें हमने डिस्कस की थी ना, अगर हम स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें तो ये पार्ट से आपके बच्चे आउटर ईयर में क्या है जी, पिन्ना, ऑडिटरी, ऑडिटरी कैनाल, और ये क्या है जी, टिम्पेनम। इस ट्यूब का नाम है यूस्टेकियन ट्यूब। ये आपके ईयर ऑसिकल्स, मेलस, एंकस एंड स्टेपस, और ये आपका कॉकलिया, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सो साउंड वेव्स जो हैं यहां से कलेक्ट होती हैं, वो जाती है ऑडिटरी कैनाल के अंदर। यहां पे आपको दो चीजें मिलती हैं, वैक्स ग्लैंड्स एंड हेयर्स। सो फंक्शन क्या है जी, ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वैक्स ग्लैंड्स और हेयर्स हैं, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे फॉर डस्ट पार्टिकल्स, ताकि वो डस्ट पार्टिकल जो है वो एंटर ना करे। ये जी आपका ईयर ड्रम, जिसको आप बोलते हो टिम्पेनम और ईयर ड्रम, तो जो जिसको आप पर्दा बोलते हो। इसके साथ ईयर ऑसिकल जो मिडिल ईयर का पार्ट है वो अटैच्ड है, मेलस, इनकस एंड स्टेपस। यहां पे जो स्टेपस ओपन होता है ना, इसको हम बोलते हैं ओवल विंडो, ओवल विंडो। यहाँ पे स्टेपल्स कॉकलिया के अंदर ओपन होता है, तो ये कॉकलिया है और ये सेमी सर्कुलर किनारा, ये इनर ईयर का पार्ट है। तो इसको हम मेन फंक्शन देखेंगे हियरिंग में, जो कॉकलिया है जो कि इंटरनल ईयर है। तो साउंड वेव यहाँ से जाएगी टिम्पेनम में, टिम्पेनम से मेलस को वाइब्रेट करेगी, इनकस को वाइब्रेट करेगी, स्टेपल्स को वाइब्रेट करेगी, ओवल विंडो के थ्रू कॉकलिया में ओपन होगी। कॉकलिया के अंदर एक चेंबर होगा स्टेला वेस्टिकुला, उसके अंदर जाके ये ओपन होगी। उसको भी हम ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि क्या है स्केला वेस्टिकुला। यूस्टेकियन ट्यूब जो है ना, ये फेरिंग्स में खुलती है, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। यहां से एयर जा रही है, अगर एयर यहां से जाएगी तो इस टिम्पेनम को के ऊपर प्रेशर लगाएगी, ये टिम्पेनम टूट सकती है। तो इक्वलाइजिंग प्रेशर यहां से भी एयर एंटर करेगी, कहां से, माउथ के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू एयर जो है वो इधर एंटर करेगी, ताकि दोनों साइड ईयर ड्रम के एयर प्रेशर क्या रहे, इक्वल। तो इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन इधर साइड ऑफ ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेकियन ट्यूब जो है वहां से एयर जो है वो एंटर करती है। क्या ये जो आप बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ठीक है। सो इनर ईयर को ना हम लेबिरिंथ भी बोल देते हैं। आप इनर ईयर को क्या बोल सकते हो जी? लेबिरिंथ। लेबिरिंथ के दो पार्ट्स हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, बोनी लेबिरिंथ। बोनी
लिपिड एंड मेम्ब्रेनस लिपिड्स, दो पार्ट्स है आपके लिपिड एंड के। अगर हम लिपिड एंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड एंड अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से बनेगी। ये जो ओपन कोट है बच्चे, दिस इज बोनी लिगामेंट, दिस इज बोनी लिगामेंट, इसके अंदर है मेम्ब्रेनस लिगामेंट। जैसे आपका पैर है, ट्रांसपेरेंट पैर है किसी के पास, है ना, जैसे ये आपका आउटर जो कवर है दैट इज बोनी लिगामेंट, और इसके अंदर जो रिफल है वो क्या है जी, मेम्ब्रेनस अंदर से खाली है, अभी मैं इसको पानी से भर दूंगा, यहाँ पे इसको मैंने पानी से भर दिया और उसके अंदर मेम्ब्रेनस लिगामेंट रख दिया, तो इस मेम्ब्रेनस लिगामेंट के अराउंड क्या है जी, एक फ्लूइड जो कि वाटर लिया है हमने, उस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम। तो बोनी लिगामेंट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है जी, पेरिलिम। मेम्ब्रेनस लिगामेंट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है जी, एंडोलिम। तो यहां पर उसी तरीके से जैसे आपका पेन है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ईयर की जो इनर ईयर का जो स्ट्रक्चर है, हमने ना बोनी लिगामेंट को दो पार्ट्स में, दो चेंबर में डिवाइड कर दिया। इसका नाम है जी स्केला वेस्टिबुला और इसका नाम है जी स्केला टिम्पैनी। बोनी लिगामेंट के दो चेंबर्स बना दिए हमने, स्केला वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पैनी। ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन और ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेजिनल मेम्ब्रेन। रेजिनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन ने हमारे बोनी लिगामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो चेंबर।
ट्यूबल्स में डिवाइड करती है। ये है हमारा मेम्ब्रेनस लिग्रिन जो अंदर पड़ा है, मेन कॉपियर रीजन। इसको भी हमने नाम दिया है सिकेला मीडिया। पर ये हमारा मेन कॉपियर रीजन है, ये हमारा मेन मेम्ब्रेनस लिग्रिन है, ये हमारा मेम्ब्रेनस लिग्रिन है, ये सारा समझो बोनी लिग्रिन है। ओवर विंडो इसके पास होती है, यहां पे आप लिख रहे कि ओवर विंडो पे ये खुल रहा है, स्टेपस जो है ओवर विंडो पे ओपन होता है। तो ओवर विंडो यहां पे जो रीजन है वो ये है, स्केला वेस्टिकुलर। अच्छा, इसमें सारे में फ्लूड है, लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है इसमें जी? एम्बलिम या पेरिलिम्फ? पेरिलिम्फ, क्योंकि ये बोनी पार्ट है। इसमें जो फ्लूड है वो क्या है जी? पेरिलिम्फ। इसमें भी जो फ्लूड है वो क्या है? पेरिलिम्फ। और ये जो मेन पार्ट है हमारा मीडिया, सेंट्रल पार्ट, इसमें भी फ्लूड है, बट इसमें फ्लूड कौन सा है जी? एंडोलिम्फ। इसमें जो फ्लूड है उसका नाम है जी एंडोलिम्फ। इसी में एक ऑर्गन पड़ा है, ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पॉटी। इसका नाम क्या है जी? ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। सो ऑर्गन ऑफ कॉटी के ऊपर क्या है जी? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है जी स्टीरियोसिलिया। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है जी? स्टीरियोसिलिया। और स्टीरियोसिलिया जो है वो यहां पे एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, इस मेम्ब्रेन को टच करते नजर आते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और यहां से आपको ऑडिटरी नर्व्स बाहर जाती नजर आती है, जो ब्रेन में जाएंगी, है ना? ऑडिटरी नर्व्स जैसे रेटिना से ऑप्टिक नर्व जाती है, वैसे ही यहां से जाती है ऑडिटरी नर्व्स। ये सारा जो सेक्शन है ना, ये जो डायग्राम है, ये इस कॉक्लियर का क्रॉस सेक्शन है। अगर मान लो इस कॉक्लियर को मैं ट्रांसवर्स सेक्शन करता हूं, तो दिस इज द सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। सेक्शन कटी गई है किस रीजन की थी? कॉक्लिया की। इसमें आपको ये नजर नहीं आ रही सेमी सर्कुलर कैनाल, हमने उसका सेक्शन कट नहीं किया है, वो हम अलग से डायग्राम बनाएंगे। सेमी सर्कुलर का कैनाल का काम हीरी में नहीं है, हीरी का काम कॉक्लिया का है, लेबिरिंथ का है, ठीक है? कान एक और काम करता है, वो है बैलेंस मेंटेन करना, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। वो काम है जी सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिबुलर पार्ट का बैलेंस, आपकी हेड की पोजीशन को मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू योर बॉडी पोजीशनिंग, ठीक है? सो अब होता क्या है, यहां से साउंड वेव जाती है, साउंड वेव स्ट्राइक करती है ईयर ड्रम को, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है? ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो मेलस वाइब्रेट करेगी। मेलस इंटरसेस के साथ कनेक्टेड है, इंटरसेस के साथ कनेक्टेड है स्टेपस के साथ, तो स्टेपस वाइब्रेट करेगी। इनका मेन काम क्या है? इनका साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। यहां पे साउंड कम स्ट्राइक हुआ है, बट इसको ये बहुत 2, 3, 4, 5, 10 टाइम्स बढ़ा देंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो साउंड की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और ओवर विंडो के थ्रू ये साउंड कहां ओपन, वाइब्रेशन कहां पहुंचेगी जी? इस स्केला वेस्टिबुलर में। वेस्टिबुलर में क्या है जी? फ्लूइड है। इस फ्लूइड की वजह से कौन सी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी? रेजिनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। रेजिनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा, एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो
ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किसके ऊपर पड़ा है? बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बैसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, वैसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो स्केला टिम्पैनी में फ्लूइड है कौन सा? पेरिलिम्फ। ये वाइब्रेट करेगा, पेरिलिम्फ के वाइब्रेट करने से बैसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी वजह से ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसके ऊपर क्या है जी? सीलिया। तो हेयर सेल्स क्या करेंगे? मूवमेंट शो करेंगे। हेयर सेल्स जब मूवमेंट करेंगे तो किसके साथ कनेक्टेड है हेयर सेल्स? टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ। टेक्टोरल मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशन उसके तक पहुंचेगी तो वो प्रोड्यूस करेगी एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, क्योंकि उसके साथ अटैच है न्यूरॉन सेल्स, और न्यूरॉन सेल्स ये सिग्नल लेके जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है हीयरिंग का, कि कहां से वाइब्रेशन या साउंड वेव जो है वो किस तरीके से चलती है। तो इस फ्लूइड का काम है मेन वाइब्रेशन पैदा करना लेबिरिंथ ऑर्गन के अंदर। तो पेरिलिम्फ से वो शुरू होगा, फिर रीजनल मेम्ब्रेन, फिर स्केला टिम्पैनी का जो है पेरिलिम्फ, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन, फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, फिर स्टीरियोसेल्स, फिर टेक्टोरल मेम्ब्रेन, और फिर आपके ब्रेन तक जो वाइब साउंड वेव्स हैं वो पहुंचती है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, जो सिग्नल है आपके ब्रेन को जाता है, ब्रेन फिर उस सिग्नल को सेंस करता है और फिर आपको जो है वो सुनाई देता है। सो ये मेन पार्ट है जी, कॉपलियर और इनर ऑर्गन, आपका ईयर जो है वो उसका मेन काम है जी आपकी हीयरिंग का। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपको हीयरिंग में ये स्ट्रक्चर जो है उसको क्या करना है जी, एक्सप्लेन। तो सेकंड फंक्शन ऑफ ईयर जो है वो है बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। उसके लिए हमारे काम में है जी सेमी सर्कुलर कैनाल, प्लस यहां पे एक ऑर्गन होता है ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ बोल देते हैं उसको। तो ओटोलिथ ऑर्गन प्लस सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ इनर ईयर। तो वेस्टिबुलर पार्ट जो है वो हम बना रहे हैं, तो मतलब इनर ईयर के दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, लेबिरिंथ पार्ट दैट इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है जी? वेस्टिबुलर पार्ट का काम हीयरिंग का नहीं है, इसका काम किसका है जी? इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने का। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे वेस्टिबुलर पार्ट की जो स्ट्रक्चर है। सो सेकंड पार्ट जो है बच्चे वो है वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर, इसका मेन काम क्या है जी? बैलेंस मेंटेन करना। वेस्टिबुलर में ये आपका कॉकलियर पार्ट जो है वो अलग रह गया, ये हमने उस डायग्राम में कॉकलियर पार्ट देखा है। इस पार्ट में आप देखोगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि तीन है, एक को आप सुपीरियर बोल सकते हो, दूसरे को इंफीरियर बोल सकते हो, तीसरे को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है। यहाँ पे आपको जो मैंने पिछली डायग्राम बनाई थी उसमें शायद दो दिखाई हुई थी, इनर पार्ट है ये, बाहर नहीं दिखेगा आपको, कान के अंदर इनर पार्ट है, जो कॉपलियर बनाया था ना हमने उसके साथ ही एसोसिएट होता है। अच्छा ये रहा, बिल्कुल पहले हमने सिर्फ इस, ये जो डायग्राम है ना ये वाली, ये तो इसका सेक्शन है सिर्फ इस पार्ट का, जो सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ एसोसिएटेड एरिया है उसको हम बोलते हैं सेक्यूल एंड यूट्रिकल, सेक्यूल एंड यूट्रिकल। यहीं से निकलती है तीन सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंटीरियर पोस्टीरियर और हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, सुपीरियर इंफीरियर और हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो। सो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और यहां से सेमी सर्कुलर कैनाल निकलती है ना वहां पे बेस जो है ना वो स्वॉलन है, ब्रॉड है बेस। आप अगर देखोगे यहां पे भी बेस ब्रॉड है, इस ब्रॉड बेस को हम क्या बोलते हैं जी? एम्पुला। इस ब्रॉड बेस को यहां पे सेमी सर्कुलर कैनाल निकल रही है इसको हम क्या नाम देते हैं जी? एम्पुला। इन तीनों के पास ही सेंसरी स्पॉट होता है जो आपकी हेड की विजन को सेंस करता है, उस सेंसरी स्पॉट का नाम है क्रिस्टा एम्पुलेरिस। दिस इज ए सेंसरी स्पॉट, और सिमिलरली एक सेंसरी स्पॉट इन दोनों के पास होता है, उस सेंसरी स्पॉट का नाम है मैकुला। सो मैकुला एंड क्रिस्टा एम्पुलेरिस ये दोनों ही सेंसरी स्पॉट्स हैं जो आपके हेड की विजन को सेंस करते हैं कि वो क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। और पूरी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर आपका फ्लूइड जो है, जो एंडोलिक फ्लूइड है, पेरिलिम्फ फ्लूइड है, वो क्या करते हैं? रन करते हैं। तो ज्यादा डिटेल में आपने एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ सेंसरी स्पॉट्स के नाम बताने हैं कि कहाँ होते हैं और कौन से दो सेंसरी स्पॉट है। एक मिलता है एम्पुला के अंदर,
इसका नाम क्रिस्टा एम्पुलेरिस है, और दूसरा है जी सेकुल और यूट्रिकल के अंदर, इसका नाम मैकुला है। तो ये वेस्टिबुलर पार्ट जो है उसके दो पार्ट हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड सेक्यूल एंड यूट्रिकल। सेक्यूल और यूट्रिकल को मिला के ओटोलिथ बोलते हैं, OTOLITH, ओटोलिथ। आप दोनों को मिला के ओटोलिथ भी बोल सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि मैकुला इज ए सेंसरी स्पॉट प्रेजेंट इन द ओटोलिथ रीजन ऑफ वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ इनर ईयर। ओटोलिथ बोल दिया जाता है सेक्यूल और यूट्रिकल दोनों को मिला के। सो ये था बच्चे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ईयर।